का दिन उस लंबे संघर्ष का एक बहुत ही बहादुराना मौका रहा है। इतिहास में दर्ज होगा आज का दिन कि जब इस देश के सपूतों ने, इस माटी के सपूतों ने दलित, आदिवासी और पिछड़ों, किसानों और गरीबों की बेटियों की आवाज को बुलंद करने वालों ने इस देश पर अपना दावा पेश किया, अपना हक पेश किया। मामला केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों के साथ अन्याय का नहीं है, उनके हक को छीन लेने का नहीं है। इस देश की आजादी खतरे में है, इस देश की आजादी को बचाए रखने के सपना खतरे में है। आज जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के दरवाजे दलित, आदिवासी या पिछड़े नौजवानों के लिए बंद किए जा रहे हैं, तो इस देश की यूनिवर्सिटी को इस हिंदुस्तान नाम के तशद्दुद से दूर किया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो लोग जो आरक्षण का लाभ नहीं जानते हैं, जो अपने को अगड़े कहते हैं, वो कान खोल के सुन ले कि इस देश को बचाने का दम किसी को है। इस देश की प्रकृति को, कुदरत को, जंगल को, जमीन को बचाने का हक किसी के अंदर है, दम किसी के अंदर है, तो वो दलित विचार के अंदर है, बहुजनवादी विचार के अंदर है, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले और पेरियार के दिखाए हुए दर्शन में है, वो आदिवासी परंपरा में है। इस देश के जंगलों को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो वो लोग नहीं बचा पाएंगे जो आज तक मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और सत्यनारायण की कथा बांच रहे थे। अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही मनुस्मृति लिखने वाले, गरुड़ पुराण पढ़ने वालों को देंगे, तो ये देश खत्म हो जाएगा, ये धरती बर्बाद हो जाएगी। इस धरती को बचाना है तो आदिवासी को अपना शिक्षक मानना पड़ेगा। अगर सारे संगीत को, विज्ञान को, शिल्प को, कलाओं को बचाना है तो दलितों को अपना शिक्षक मानना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के विभागों के दरवाजे उनके लिए खोलने पड़ेंगे। तो ये अन्याय दलितों और आदिवासियों के साथ नहीं है, इस देश को, इस धरती को, इस पर्यावरण को, इस कुदरत को बचाने का मामला है। इस धरती को, इस देश को बचाने का सपना, वो विजन, वो शिक्षा शास्त्र, वो ज्ञान शास्त्र, किसी के पास वो विज्ञान या कला नहीं है। अगर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, बेटियों के लिए ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो ये देश बच नहीं पाएगा। तो आज मैं इस देश के वो जो 50% बाकी लोग जो 10% के झुंझुने को देख कर खुश हो रहे हैं या किसी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, मैं उनको आह्वान करता हूँ, अगर तुम सच्चे देशभक्त हो, तुमको कुदरत से, प्रकृति से, धरती से, इस भारत देश से प्यार है, तो इस लड़ाई में शामिल हो जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो जमींदार कहते थे कि जमींदारी खत्म नहीं होगी, उनके नाम लेवा नहीं बचे। आज जो कमाएगा, जो ज्ञान लेकर आएगा यूनिवर्सिटी पर, हकदारी उसकी होगी, श्रमिकों की होगी, मजदूरों की होगी, आदिवासियों की होगी, दलितों की होगी, क्योंकि ज्ञान उनके पास है, अनुभव वहाँ है, पसीने की कमाई वहाँ है, कला, विज्ञान, शिल्प वहाँ है। तो मैं केवल एक बात दर्ज करने आपसे आया था, जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क की तरफ भागने लगता है, जब सामंतवाद डूबता है तो फड़फड़ाने लगता है, तो आज सामंतवाद अपनी मौत के करीब है। कुत्ता इसीलिए सड़कों की तरफ, नौजवानों की तरफ, दलित और आदिवासी की बेटियों के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसकी मौत नजदीक है। तो हम इस मौत को जिंदगी के उत्सव में बदल दें। दलित और आदिवासी, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान और इस देश की बेटियां जो मिलकर इस देश को हिंदुस्तान बनाती हैं, उस सपने को तामीर करती हैं, उनको आने दो। सूरज को हथेली से ढकने की कोशिश ना करो, सूरज उगते रहेगा। इस देश पर असली दावेदार, हकदारों का हक और दावा होकर रहेगा। दोस्तों, जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार, जय लोहिया, और इस देश को, धरती को प्यार करने वाले हर नौजवान की जिंदाबाद करते हुए साथियों, बहुत बहुत जिंदाबाद। We'll be right back.